इस माध्यम से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब हम कुछ काम के लिए कुछ कामगार रखेंगे या कुछ लोगों को रखेंगे तो निश्चित तौर पे आपने पुलिस को ये जानकारी देना जरूरी है और ये भी देखना जरूरी है कि ये इनकी जब ये अपने यहाँ काम कर रहे हैं तो इनके फोटोग्राफ्स, इनके कुछ आईडी या इनका कुछ एड्रेस, ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स लेना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भयंकर। दोस्तों, मेरे पीछे आप जो ये तस्वीर देख रही है, इस तस्वीर में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसकी शक्ल से ही पता चलता है कि कितना खूनखोर किस्म का व्यक्ति होगा, कितना आपराधिक प्रवृत्ति का ये शख्स है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2003 में हावड़ा के संकाई पुलिस स्टेशन के हद में एक तबेले में इसी व्यक्ति ने दो वॉचमैन लोगों का मर्डर किया था। एक वॉचमैन का तलवार से मार के उसको खत्म कर दिया था और दूसरे वॉचमैन को ईट से मार के उसको उसकी जान ले ली थी। एक वॉचमैन की लाश उसने वहीं के पास का जो तालाब था वहां पर फेंक दी थी और दूसरे वॉचमैन की लाश ऐसे ही पड़े रही, जिसे बाद में उस इलाके की पुलिस ने बरामद की उस लाश को और उसका पंचनामा किया, उसका पोस्टमार्टम किया, तब उसमें पता चला कि ये लाश किसी ने इसकी हत्या कर दी है और दोनों भी वॉचमैन थे। कोलकाता पुलिस ने जब वहां पर पूछताछ की तब उन्हें ये सामने आया निकल के कल्लू यादव नाम का आरोपी जो उसी जगह पर वॉचमैन का काम किया करता था, एक लड़की के साथ में उसका चक्कर हुआ करता था और उस लड़की से दूसरा वॉचमैन बातचीत किया करता था, जिसके चलते इन वॉचमैन में आपस में बातचीत हुई है। तब इसी कल्लू यादव ने वहां के दो वॉचमैनों को मौत के घाट उतार दिया था। ये वर्ष 2003 का मामला मैं आपसे बता रहा हूँ, जिसके चलते कल्लू यादव को हावड़ा में ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वहीं पर उसे 5.5 साल 6 महीने की सजा हुई थी। सजा वो काट कर मुंबई आया रहने के लिए और यहाँ पर आकर उसने 2020 में ये नया कारनामा अंजाम दिया, जिसके चलते दो लोग जो बेकसूर थे उन्हें भी इसने मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 4 जून को शबरी होटल में जो एक काम करने वाला वेटर और उसी होटल का मैनेजर हरेश शेट्टी, जिनका कत्ल हुआ है, जिनका मर्डर हुआ है, उसी का मुख्य आरोपी कल्लू यादव है, जिसने 31 की सुबह में जब ये दोनों लोग सो रहे थे उसी वक्त फावड़ा जो जमीन खोदने के काम में आता है उस फावड़े से इस पहले तो हरेश शेट्टी के सर पर और उसके सीने पर वार किया, उसे जान से खत्म कर दिया। उसके बाद में जो रूम सफाई करने वाला, होटल के साफ सफाई करने वाला जो नरेश पंडित नामक वेटर था उसको भी इसने जान से मार दिया और दोनों को मारने के बाद में पानी की टंकी में डाल दिया। उसी होटल में जो पानी की टंकी थी उस पानी की टंकी को दो ढक्कन हुआ करते थे और उस दोनों ढक्कन को उसने अच्छी तरह से पैक कर दिया और ढक्कन जो थे वो पतरे के थे, यानी लोहे के थे, उसकी काफी मोटी परत होती है। उसको ढक्कन को बंद करने के बाद में उसके ऊपर उसने टेबल लगा दिया और जब 31 तारीख को जो होटल का मालिक है गंगाधर पयाड़े, इसने अपने मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो फोन स्विच ऑफ आया। हालांकि 31 तारीख यानी 30 जून को होटल मालिक गंगाधर पयाड़े और मैनेजर हरीश शेट्टी के दोनों में आपस में बातचीत भी हुई थी, 31 तारीख को बात नहीं हुई है। 1 तारीख को यानी 1 जून को होटल मालिक गंगाधर पयाड़े जब अपने होटल में आते हैं तब वहां पर मुख्य आरोपी कल्लू यादव से उनकी मुलाकात होती है। कल्लू यादव से जब पूछा जाता है मालिक द्वारा कि हरीश शेट्टी और नरेश पंडित कहाँ गए, तब वो उन्हें बताता है कि दोनों गांव जाने के लिए टिकट करने का इंतजाम करने के लिए गए हैं। इस तरह से वो झूठ बोल के अपने मालिक को गुमराह कर देता है और तभी मालिक से कहता है कि उसे यहाँ पर इस होटल में नहीं रहना है, उसे बम्बई जाना है। तो होटल मालिक उसे अपने साथ में लेकर गोरेगांव में जिनका और एक होटल है वहां पर रखते हैं। वहां पर करीब 3:30-4 बजे के आसपास में कल्लू यादव होटल मालिक का जो ड्राइवर है उसकी गाड़ी का, उन गाड़ी के ड्राइवर से कहता है कि वो पुणे जा रहा है, यहाँ पर उसका दिल नहीं लग रहा है, वो पुणे अपने पुराने साथियों के पास में जाना चाहता है। ऐसा बोल के कल्लू यादव उस होटल जो गोरेगांव की होटल से भी निकलता है और आगे
हाईवे पर आता है और हाईवे पर उसको जैसी भी जो गाड़ियां मिलती है उन गाड़ियों की मदद से वो पुनः पहुंच जाता है एक तारीख की ही रात में यहाँ पर, एक दिन पहले यानी 31 तारीख को कत्ल करने के बाद में दिन भर वो उसी होटल में रहता है। एक तारीख को जब मालिक आता है तब मालिक से वो झूठ कहकर उस होटल से निकल जाता है और वो पुनः पहुंच जाता है। अब 31 के बाद में जब मालिक का और मैनेजर का कोई संपर्क नहीं होता है एक दूसरे के साथ में, तब वो भी परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाते हैं। करीब 4 दिन के बाद में यानी 4 जून के दिन होटल मालिक को फोन आता है हरीश शेट्टी के फोन से कि हरीश शेट्टी को कत्ल कर दिया गया है, उसका खून करके होटल की जो पानी की टंकी उसी में उसे डाल दिया गया है और साथ में नरेश पंडित नाम का जो वेटर थे जो कर्मचारी उसकी भी लाश यानी दोनों की बॉडी उसी पानी की टंकी में डाली गई है। तो होटल मालिक कनकिया पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर बताते हैं कि इन नंबरों से अलग अलग नंबरों से उन्हें फोन आए हैं, एक फोन परेल से आता है, एक नाला सोपारा से आता है और एक फोन पूना से आता है। उन सभी फोनों की जांच, उनकी तफ्तीश और उनका सीडीआर अभी आना बाकी है। बहरहाल पुलिस जो शिकायत मिलती है, जो सूचना मिलती है होटल मालिक के अनुसार, वो मीरा रोड पुलिस वहां पर पहुंचती है। वहां जाने के बाद में जो उन्हें बताया जाता है उसके मुताबिक फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया जाता है और वहां पर फिर बॉडी निकालने के लिए करीब 1.5 से 2 घंटा लग जाता है पुलिस को। बॉडी निकालने के बाद में करीब 4:30 बजे तक का पुलिस उसी घटनास्थल पर मौजूद रहती है। इन सब पूरे काम को सीनियर पीआई जो है मीरा रोड पुलिस स्टेशन के संदीप कदम, इनके मार्गदर्शन में वहां पर किया जाता है। संदीप कदम के ही मार्गदर्शन में अलग अलग टीमें बनाई जाती है, लोकल क्राइम ब्रांच की एक टीम बनाई जाती है, मीरा रोड पुलिस स्टेशन की भी एक टीम बनाई जाती है और वो टीम जाती है पूना जहाँ पर उस मोबाइल का लोकेशन दिखाई देता है। वहां पर जाने के बाद में पूना के सवारगेट जो पुलिस स्टेशन है उस सवारगेट पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई है वो इत्तेफाक से कोइंसिडेंट से मीरा रोड पुलिस स्टेशन के जो पीआई है संदीप कदम वो उनके बैचमेट निकलते हैं, उनके दोस्त निकलते हैं और उन्हें पूरा डिस्क्रिप्शन बताते हैं, पूरी ये किस्सा बताते हैं। तब वहां पर वो अपनी फील्डिंग लगाकर उस आरोपी को कल्लू यादव को किसी तरह अपने कब्जे में लेकर ये पुलिस के आने का इंतजार करते हैं और इस पुलिस के हाथ में वो सौंप देते हैं। 5 तारीख को जब पुलिस उसे यहाँ पर लेकर आती है यानी 5 तारीख की 4:30 बजे तक सुबह के मीरा रोड की पुलिस उस स्पॉट पे मौजूद है और 7:30 बजे मीरा रोड की पुलिस उस आरोपी को पूना में भी पकड़ के अपने साथ में रखी है। करीब 3 से 4 घंटे के बीच में ही मीरा रोड पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी कि वो पूना पहुंचकर आरोपी को अपने ताबे में ले लेती है। वहां से उसे यहाँ पर लाया जाता है 5 तारीख को और 5 तारीख को जो हिरासत में उसे पूछताछ की जाती है उसके मुताबिक वो अपना गुनाह भी कबूल करता है कि उसी ने ये अपराध किया है और उसकी जो वजह बताई गई है वो आरोपी ने खुद बताया है कि लॉकडाउन होने के बाद से ही ये तीनों होटल में ही रहा करते थे और मैनेजर हरीश शेट्टी अपने लिए ऑर्डर जो मंगाया करता था खाने का वो अच्छा मंगाया करता था, नॉनवेज किस्म का हुआ करता था और इस कल्लू के लिए जो आरोपी है उसके लिए सादा खाना मंगाया करता था। यही बात की उसके मन में एक गुस्सा था, उसके मन में काफी रंजिश थी जो धीरे धीरे बढ़ते गई और उस रंजिश ने ये रूप धारण कर लिया कि कल्लू यादव ने आखिरकार उन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मीरा रोड पुलिस स्टेशन के मुताबिक आज कल्लू यादव को थाना न्यायालय में पेश किया गया जहां पर उसे 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, इस पूरे घटना को देखते हुए थाना रूरल के जो एसपी है शिवजी राठौड़, उन्होंने खास तौर से अपील की है नागरिकों के लिए कि जब आप अपने पास में किसी को भी काम पर रखते हैं अपने कर्मचारी के तौर पर तो उसके बारे में पहले जान ले, उसका बायोडाटा जान ले, उसके हिस्ट्री के बारे में जान ले कि वो कहाँ पर काम करता था, क्या उसका नेचर रहा है और पुलिस को भी उसकी एक इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है ताकि भविष्य में इस तरह जो खूंखार किस्म के जो लोग होते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो उनसे समाज को किसी प्रकार का जानी नुकसान ना हो, क्योंकि ऐसे सनकी किस्म के लोग आज हमारे समाज में मौजूद है, इनकी जांच होना जरूरी है, इनसे बचना जरूरी है और इनसे बचने के लिए इनका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होना भी जरूरी है। इस खबर के पीछे, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे हमारा यही मकसद है कि आप
जब किसी को अपने पास में काम के लिए रखते हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, क्रॉस वेरीफाई कर ले, एक एप्लीकेशन देके पुलिस के पास में जाकर जो आपके लोकल पुलिस है उस लोकल को इन्फॉर्मेशन दे दे, एक एप्लीकेशन दे दे, ताकि पुलिस उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले, तब आप अपने पास में उसे काम पर रखे, ताकि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर, धन्यवाद।